राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट ग्राम में कस्बे आसन की डूंगरी पर स्थित खागनाथ महाराज मंदिर पर विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे नवकुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ रविवार को समापन हो गया। इस अवसर पर सकट गांव के कथावाचक पंडित राधा माधव शास्त्री ने कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा से धर्म लाभ उठाकर अपने जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने की बात दोहराई। वहीं कथा के दौरान बीच बीच में गाए गए भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया और भगवान के जयकारे लगाए। विराटनगर के ज्ञानाचार्य पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यजमानों से यज्ञ वेदियों में शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां दिलवाई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने यज्ञ वेदियों में आहुतियां डालकर भगवान से क्षेत्र की खुशहाली के साथ ही परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। यज्ञ कार्यक्रम के दौरान चल रही रासलीला में शुक्रवार रात्रि को गोविंद रास मंडल गोवर्धन के कलाकारों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण एवं भक्त मीराबाई की लीला का मंचन किया गया। लीला के आचार्य गोविंद शर्मा ने बताया कि रासलीला का मंचन देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सरपंच नरसिंहराम मीणा व कमेटी उपाध्यक्ष मोतीलाल गुजर ने बताया कि रुद्र महायज्ञ एवं कथा की पूर्णाहुति के उपरांत ग्रामीणों द्वारा विशाल भंडारा आयोजन किया गया। इस मौके पर सरपंच मालती देवी सैनी, पूर्व सरपंच मोतीलाल मीणा, मंदिर के पुजारी रामेश्वर मीणा, विक्रम फौजी, रामनिवास मीणा, रतनलाल सैनी, राजू बेनाड, लीला राम मीणा, गोपाल प्रसाद लाटा, बाबू लाभ चौबे, गोपाल पांचाल, बद्री प्रसाद मीणा, मूलचंद मीणा, सुरजन मीणा, जयराम सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।